जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि फेस्टिवल और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामले में तेजी आ सकती है, ऐसे समय सभी को सावधानी बरतानी होगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की अपडेट दी, कहा अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अभी फेज 1, 2 और 3 में चल रहा है, इसके रिजल्ट आने बाकी है। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके मुताबिक वैक्सीन के इमरजेंसी यूज शुरू किया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ऐलान किया कि आरे में मेट्रो कार शेड नहीं बनाया जाएगा, इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। आरे की जगह अब कांजूमर्ग में मेट्रो शेड का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगह बदलने के बाद मेट्रो शेड बनाने के खर्च में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास ये पहले से ही जमीन है। यूपी के हाथरस केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के 7 दिन बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। 10 दिन से 3 सदस्यीय एसआईटी ही कर रही थी तफ्तीश। चुनिंदा रूटों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनों में निकट भविष्य में सिर्फ एसी कोच ही होंगे। अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना के तहत रेलवे ये तैयारी कर रहा है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता डीजे नॉरेन ने कहा कि इन ट्रेनों के टिकट सस्ते ही होंगे। बिहार के बक्सर में अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक जा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, फिर महिला को उसके बच्चे के साथ बांध कर नदी में फेंक दिया, इससे बच्चे की मौत हो गई। महिला के आरोप के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि दुनिया का कोई भी भगवान या धर्म ये नहीं कहता है कि आप जिंदगी को खतरे में डालकर त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई ही पूरी दुनिया के लिए सर्वोपरि धर्म है, इसलिए त्योहारों के दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन जरूर करें। बाहर जाने के बजाय घर पर रहकर परिवार के साथ ही त्योहार मनाएं। टीवी रेटिंग हेराफेरी मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खंचनदानी से रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। इससे पहले मुंबई पुलिस ने विकास खंचनदानी को पूछताछ के लिए समन जारी करके तलब किया था। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया था और उसमें 3 चैनलों के खिलाफ शिकायत मिलने की बात कही थी, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम भी शामिल था। ब्रिटेन में पंजाब के किसानों के समर्थन में पिछले हफ्ते रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में कृषि कानूनों का विरोध किया गया। हालांकि कोरोना काल में किसानों की रैली कर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाना ब्रिटिश सिख नेता को महंगा पड़ गया। लंदन पुलिस ने उस पर 10,000 पाउंड यानी 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शुरू होने के बाद से ही सट्टेबाज पूरी तरह से एक्टिव है। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामले मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां पुलिस ने IPL सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ा है। इस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।